खबर बिहार के किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के खारुदो पंचायत में एक दिवसीय किसान चौपाल का आयोजन हुआ। आपको बताते चले कि किसान चौपाल में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न तरह के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कृषि को दुगुनी पैदावार कैसे किया जा सके इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। तो वहीं कृषि समन्वयक श्री प्रसाद ने बताया कि खेतों में खाद का मात्रा कम और गौमूत्र गोबर का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ताकि खेतों में पैदावार ज्यादा के साथ साथ विभिन्न तरह के रोगों से भी बचा जा सके। समय समय पर उसका फसल प्रबंधन भी करना होगा। तो कई कारण ऐसे हैं जो कि उपज कम होने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़ावा के लिए क्या किया जाए सर? किसानों को जागृत होना होगा, उनको नई नई तकनीक के लिए अग्रसर होना होगा, बीज उपचार करके लगाना होगा, सीधी पंक्ति में बुआई करनी होगी, नई तकनीक का मतलब जो भी अभी सरकार ने निकाली है उसको ग्रहण करना होगा, तभी ये बढ़िया उपज ले सकते हैं। सर, आप लोग आज आए हैं इस चौपाल के माध्यम से, क्या पर्पस है सर? किसानों की आमदनी को दुगना करना है, उनको विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। पहले क्या होता था कि इनको जानकारी नहीं मिल पाती थी, प्रखंड में हम लोग बैठते थे, ये रहते थे पंचायत में, कोई पता नहीं चलता, कोई पता ही नहीं चलता था कि ये हो के आ रहा है। तो आज हम इनको घर पे आकर के इनको बताने आए हैं कैसे आप लोग अच्छा से अच्छा फायदा लें, योजना का जानकारी लें, बढ़िया से बढ़िया उपज प्राप्त करें, ठीक है। अब तक चले कार्यक्रम में क्या लगता है सर, किसान आप लोगों का बाद में कितना सहमत में कारगर हुआ सर? नहीं, हम तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी किसान हमारे साथ जुड़ करके इसका फ़ायदा उठाएंगे। हम पूरा अपने आप को विश्वस्त हैं कि सब किसान हमारे साथ जुड़ेंगे और सब इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब तो इनको जानकारी में कोई तरह की कमी नहीं है, फिर भी अगर कोई कमी है सीधे आके संपर्क करें, हम उनको पूरा करेंगे। आइए मेरे पास, अपना आपका ही विभाग है, आपके ही हम इसके लोग हैं, आइए और इसका फ़ायदा उठाइए, जो कोई कमी हो हम लोग पूरा करेंगे।